हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन और मैं हूं स्वाति। एंड आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मॉइस्चराइजर एंड सीरम्स में क्या डिफरेंस होता है। एंड बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम करते रहते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी कि हमको कोई अच्छा मॉइस्चराइजर बताइए या हमको क्या यूज़ करना चाहिए, सीरम बेटर है या मॉइस्चराइजर बेटर है। सो सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर्स दोनों ही अच्छे होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको यूज़ क्या करना है आपके स्किन टाइप के हिसाब से। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मॉइस्चराइजर एंड सीरम में डिफरेंस क्या है। अभी हम एवरीडे मॉइस्चराइजर कब लगाते हैं, जब अपनी बंजर जमीन हो जाती है तो उसमें हरियाली लाने के लिए हम लोग जो है मॉइस्चराइजर लगाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है नरिश लगे एंड कोई भी उसमें डिस्कफर्ट ना लगे। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो कुछ कुछ एरिया में स्किन बहुत टाइट हो जाती है, कुछ जगह पे नहीं होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे जनरली जो है इतनी ज़्यादा स्किन में इरिटेशन नहीं होती है, बट स्वेटिंग ऑल्सो मेक्स इट ड्राई। सो दैट मीन्स चाहे कैसा भी एरिया हो मॉइस्चराइजर लगाना तो ज़रूरी है ही है। अब मॉइस्चराइजर क्या काम करता है, जब आप अपने फेस पे लगाते हैं या बॉडी मॉइस्चराइज करते हैं, जो भी करते हैं, आपके बॉडी को नरिश करके बहुत सॉफ्ट बनाता है। वो आपकी स्किन पे ऊपरी लेयर देता है खाली, ये वो अंदर तक नहीं पेनिट्रेट होता है, अंदर तक घुस नहीं जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीरम, वो उनका जो फॉर्म होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं। अभी आप देखेंगे जो मॉइस्चराइज होते हैं वो क्रीमी फॉर्म में होते हैं एंड जो सीरम्स होते हैं वो एकदम वाटरी फॉर्म में होते हैं और कुछ जो है ऑयल फॉर्म में होते हैं। वो आपको स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करने की ज़रूरत है। तो जो भी है, मेन कॉन्टेक्स्ट इज़ कि सीरम्स बहुत पतले होते हैं एंड दैट पेनिट्रेट्स इनटू योर स्किन। तो एक एग्जांपल मैं अगर दूँ तो हमको जब कोई बीमारी होती है तो हम पहले तो उसको ट्रीट करना चाहते हैं एकदम टैबलेट से या जो घर में जो भी हो सकता है हमारे से, तो हम लोग टैबलेट से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं होता है, जब थोड़ी कंडीशन थोड़ी और सीवियर होने लग जाती है या हमको लगता है कि ट्रीटमेंट जल्दी चाहिए, तब हम इंजेक्शंस कराते हैं। तो आप सीरम को एक इंजेक्शन मान सकते हैं एंड टैबलेट को जो है मॉइस्चराइजर मान सकते हैं। मुझे लगा कि ये बेस्ट एग्जांपल होगा, आपको इससे मीनिंग जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सीरम्स जो है आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरह पेनिट्रेट होके बहुत फास्ट वर्क करते हैं। मेनली सीरम्स यूज़ करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप रेगुलर है यूज़ करने में तब तो बेस्ट है, बिकॉज सीरम्स यूज़ करने की वजह से आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट इट बी यू नो एंटी एजिंग हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो गया, वो सारी चीज़ें जो है दूर हो जाती है एकदम, एक झटके में नहीं होगी। फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम आपको वो यूज़ करना होगा। किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी चीज़ में जादू नहीं होता है। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं पहले 1 हफ्ता 10 दिन यूज़ करके देखिए, आपको पक्का नज़र आएगा। एंड एक पर्टिकुलर उसका टाइम होना चाहिए एंड इतने अटेम्प्ट होने चाहिए, वो आपको पक्का मेंटेन करना है। कभी आपने एक दिन लगाया फिर एक दिन छोड़ दिया, एक बार चलो कल छोड़ा था ना, आज 2-3 बार और लगाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फिक्स टाइम टेबल, तभी जो है कोई भी चीज़ आप पे असर करती है, चाहे आप इनटेक कर रहे हों या अपनी स्किन पे लगा रहे हों। तो जिन लोगों का भी क्वेश्चन था कि क्या मॉइस्चराइजर एंड सीरम्स एक ही होते हैं, तो द आंसर इज़ येस एंड नो बोथ, क्योंकि ये स्किन टाइप पे भी निर्भर करता है। जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, अगर वो लोग मॉइस्चराइजर की जगह पे सीरम यूज़ करेंगे तो उनको फिर भी वो ड्राइनेस नज़र आएगी। एट दैट टाइम दे हैव टू यूज़ बोथ, पहले सीरम लगा के उसके बाद अगर वो मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो उनकी स्किन जो है नरिश रहेगी। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन की बात करें एंड ठंडियों का मौसम, अगर आप मतलब क्लाइमेट भी इसमें आता है कंसिडरेशन में, तो ठंडियों के मौसम में अगर आपकी ऑयली स्किन ऑयली स्किन है, अगर आप अप्लाई करते हैं सीरम, तो तब आपको वो मॉइस्चराइजर की तरह से भी काम करेगा। तो ये स्किन टू स्किन डिफर करता है, यू कैन यूज़ इट, बट कम्प्लीटली मैं इसको एक मॉइस्चराइजर नहीं बोलूँगी। फॉर सम इट इज़ मॉइस्चर, फॉर सम इट इज़ नॉट। तो आपको यूज़ करके देखना पड़ेगा कि आपके स्किन पे वो मॉइस्चराइज कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली वो मॉइस्चराइज करता है, पर स्किन की वजह से जो है, स्किन डिफरेंस की वजह से कभी कभी यू विल नॉट फील द मॉइस्चराइजर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। तो वो एक चीज़ है। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था कि हमको कितनी बार लगाना चाहिए जो सीरम है। तो कितनी बार का अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप दिन में 2 बार लगाएंगे दैट इज़ गुड, अगर एक बार भी नाइट में भी लगाते तो भी गुड। अदरवाइज जो भी आप सीरम्स खरीदते हैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली पूरा
जो प्रोसीजर लिखा होता है या जो भी इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको पक्का पढ़ें, क्योंकि सब कुछ उसी में लिखा होता है। आपको दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं कि हमको कैसे यूज़ करना है। तो अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि एक बार लगाओ तो आप एक बार ही लगाओ हर रोज़, अगर वो बोलते हैं कि दो बार लगाओ तो दो बार लगाओ, अगर कुछ भी नहीं लिखा है उसके ऊपर तो मेरा सजेशन ये है कि एवरीडे जब भी आप नहा के आते हैं उसके बाद एक बार सीरम लगा लीजिए, एंड एक बार शाम को जब सोने से पहले फ्रेश होते हैं उसके बाद एक बार लगा लीजिए। तो आपको आपकी स्किन जो है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड इट वेरी ग्लोइंग, एंड जो भी आपकी एक्ने पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगी। मॉइस्चराइजर के बारे में तो मैक्सिमम सबको मालूम होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीरम्स के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं आपको एक आध सीरम दिखा देती हूँ, अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं, अगर आपका दिल है कोई सीरम आपने अभी तक यूज़ नहीं किया लेकिन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अफोर्डेबल रेट में वो स्टार्ट करना यूज़ कर सकते हैं। मैं जिस सीरम की बात कर रही हूँ वो है ये डर्माडॉक का, तो मैं इसके अंदर का दिखा देती हूँ। इसकी बॉटल बहुत छोटी सी है एंड काम बहुत बड़े करती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वैसे काम करती है। तो ऐसे मेरे पास कुछ 5 कॉम्बिनेशन के हैं, मतलब हर एक के अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि अब मैं इसकी बात करूं तो ये है डर्माडॉक का सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज स्किन डैमेज रिकवरी सीरम। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अल्ट्रा लाइट वेट, बैलेंस ऑयल प्रोडक्शन, अनक्लॉग पोर्स, प्रिवेंट्स ब्लैक हेड्स एंड क्लियर पिंपल्स। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये वाला जो सीरम है वो सॉर्ट करता है। तो इसकी जो बॉटल है देखिए कुछ ऐसी दिखती है, एंड इसके साथ ये दिया हुआ है जिसको आप एवरीडे, इसको बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट कलर में होता है एंड बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो इसके ऊपर एक कैप दी हुई है, ऐसा नहीं होगा कि कभी गलती से मान लो बच्चे भी अगर खोल देते इसको तो एकदम से लुढ़केगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चे कैप खोल देंगे तो पूरा लिक्विड खुल जाएगा, इसलिए ऊपर से आप हमेशा कैप उसका लगा के रखें। एंड इसमें मैंने थोड़ा ले लिया है, एंड ये देखिए दिख रहा है ऐसे गिरा, ट्रांसपेरेंट है एकदम, बिल्कुल पानी की बूंद की तरह है। तो आप उसको लगा सकते हैं या तो डायरेक्ट अपनी स्किन में ऐसे करके भी लगा सकते हैं, एंड उसके बाद यू जस्ट अप्लाई इट। तो अभी मेरे स्किन पे बिल्कुल भी कुछ भी मेकअप नहीं है, एंड सीरम्स कभी भी आप लगाएं तो मेक श्योर कि आपके फेस पे मेकअप नहीं है, क्लीन फेस पे लगाएं। क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने बस लिपस्टिक एंड काजल लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, अदरवाइज़ मेरे स्किन पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। तो क्लीन स्किन होनी चाहिए आपकी, तो क्लीन कैसे हो सकती है, पहले तो आप फेस वॉश करके आ जाइए, एंड उसके बाद आप कोई आपके पास टोनर है उसको लगा लीजिए, एंड उसके बाद आप सीरम लगा सकते हैं। टोनर से आप अगर अपने फेस को क्लीन कर देते हैं तो एकदम बिल्कुल भी डर्ट नहीं रहता, एकदम क्लीन हो जाता है, तब और भी अच्छी तरह आपकी स्किन के अंदर ये घुस जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सीरम लगाने के बाद भी एंड पहले में भी फेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत ही लाइट वेट, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ मैंने लगाया, एंड अभी काफ़ी मॉइस्चराइज भी है क्योंकि मेरे स्किन पे सीरम सूट करते हैं। तो आई कैन यूज़ इट इन बोथ वेज, मॉइस्चराइज़र मैं स्किप भी करूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो ये जो है उसके लिए है। तो इस तरह से मेरे पास 5 है, जो मैंने पहले आपको दिखाया उसका नाम ये है, एंड मैं लाइन से आपको ये चारों दिखा देती हूँ। लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन परचेस। इसके ऊपर जो रेट दिया हुआ है वो है 199, लेकिन अभी सीरम्स पे सेल चल रही है इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप रियली खरीदना चाहते हैं सेल में ही खरीदें, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राई होता है नोबडी वांट टू इन्वेस्ट दैट मच मनी इन एनी प्रोडक्ट। सेल में खरीदेंगे तो आपको सस्ता भी मिलेगा, प्लस आप यूज़ करने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम भी खरीदना चाहते हैं तो फिर सेल में खरीदना, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएँ। तो लेट मी शो यू ऑल दिस। सो ये देखिए, ये 5 कुछ मेरे पास अभी सीरम्स है डर्माडॉक के, काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा लिंक्स। तो देखिए हर एक जो है एक एक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे कि मैंने बताया ये दूसरा है, इसकी कॉम्बिनेशन देखिए, ये है, हमेशा कॉम्बिनेशन देख के ही आपको लेना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आप ये वाला लीजिए, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, स्किन टेक्सचर की प्रॉब्लम है, तो आप ये सारे ले सकते हैं। तो देखिए ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर एक्ने बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैंने हर एक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे रखा है, आप नाम पढ़ के चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक ये है जो मैंने आपको लगा के दिखाया है, देन यू हैव दिस ब्राइटनेस स्किन नॉन ग्रीजी बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन एलिमिनेट्स इम्प्योरिटीज, ये आप ले सकते हैं उसके लिए, एंड देन यू हैव दिस, एंड इसकी बॉटल देखिए कुछ ऐसे दिखती है। सो आई होप आपको इन सीरम्स के बारे में क्लैरिटी तो आ चुकी है, एंड कौन सा लेना है आप अभी तक डिसाइड कर चुके होंगे।
तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपने घर तक पहुंचाने के लिए इनको। सो आई होप सीरम से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस थे मैंने क्लैरिफाई कर दिया, एंड जिनके भी दिमाग में हलचल मची थी क्या मॉइस्चराइजर एंड सीरम सेम है, तो आई होप दैट्स क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई शंका हो तो नीचे टिप्पणी कीजिए कमेंट सेक्शन में आके, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। एंड आपकी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली शेयर दोस्त। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यूसली आपके रिक्वेस्ट पर काम कर ही रही हूँ, सो ये पूरी हो गई और इससे पहले भी मैं बहुत पूरी कर ही चुकी हूँ। सो शेयर कॉमेंट एंड चिपकाओ तो ज़रूर, एंड सब्सक्राइब करो घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।